अस्सलाम वालेकुम। हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक कुर्ती लाई हूँ जिसकी मैंने कुछ इस तरह से कटिंग की हुई है और गोल गला इसे मैंने पहले से ही चिपका रखा है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी जो कि इसके ऊपर मैंने पट्टी लगानी है। ये जो ट्राउज़र से कपड़ा बचा था उसकी मैंने एक स्ट्रिप तैयार की है। लंबा सा एक मैंने पीस तैयार कर लिया है जो कि मैं डिज़ाइनिंग में लगाऊंगी। इस तरह से लेस लगाई और प्रेस से मैंने इसे फोल्ड कर लिया। और अब मैं दिखाऊंगी कि इसे लगाऊंगी कैसे। ये मैंने इस तरह से निशान लगाए हुए हैं, ये देखें, एक साइड पे मैंने निशान लगाया है और दूसरी साइड पे उसी तरह से मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। अब मैं दिखाऊंगी कि इन्हें लगाना किस तरह से है। और ये मेरी दोनों साइड्स कंप्लीट हो गई हैं। और अब मैं बटन पट्टी की जगह पे ये लगाऊंगी, यानी कि दरमियान में, और बाद में मैं गला बनाऊंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने इसे नीडल से नोक बनाई और ये पट्टी मैंने कंप्लीट कर ली। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी लगाऊंगी। ये देखें, ये दूसरी साइड है और यहाँ भी मैं बड़ी सफाई से एक बराबर नोक रखते हुए इसे सिलाई से लगा लूँगी। अब मैं गला कंप्लीट करूँगी। अब मैंने एक लूप तैयार की और उसके अंदर मैं इलास्टिक प्रो दूंगी। देखें, ये इलास्टिक प्रो के जो मैंने बैक साइड बनाई है उसके अंदर लगाऊंगी। मैं बटन का इस्तेमाल कम ही करती हूँ, मैं इसी तरह से पीछे से गला बनाऊं तो इसी तरह से मैं इलास्टिक वाली ही लूप लगाती हूँ। इससे ये होता है कि लचक आने की वजह से सार अंदर चला जाता है। ये 12-13 साल की बच्ची का कुर्ता है और पीछे बटन नहीं लगाया मैं उनके, इसी तरह से इलास्टिक ही लगाती हूँ। ये देखें, बैक साइड पे इलास्टिक लग के कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और अब ये देखें, मेरी कुर्ती कंप्लीट हो गई है।